सबको टाटा कर दो, सबको टाटा कर दो, आप जा रहे हो सुबह सुबह। टाटा कहाँ जा रहे हो ये नहीं बताना, मोहम्मद ने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं नीलम अजीज और ये है मेरा यूट्यूब चैनल स्टिचन स्पाइस। अभी 12 बजे का टाइम है, 12:30 बजे का। मैं मोहम्मद और मोहम्मद के बाबा जा रहे हैं बच्चों के स्कूल। हमें बच्चों के स्कूल से कुछ ज़रूरी काम है, वहाँ नया कोर्स दिया है वो दिखाना है और एक दो काम और भी है। तो बाकी बच्चे घर में सो रहे हैं और हम जो है सुबह की सैर पर निकले हैं, है ना मोहम्मद। मोहम्मद ने अभी दूध भी नहीं पिया, अभी दूध पियेंगे और फिर हम बच्चों के स्कूल जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, कहाँ जा रहे हैं आप बताओ जी। बादल है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 12 बजे का टाइम है ना, तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। ये मोहम्मद जो है वो दूध पी रहा है और हम लोग जा रहे हैं स्कूल की तरफ। बच्चों का स्कूल बहुत ही घर के करीब है, बिल्कुल कॉर्नर पे है यहाँ पे। इस्मान रुमान जा रहे हैं जुम्मे की नमाज के लिए। 2 बजे का टाइम है। इस्मान रुमान और इस्मान रुमान के बाबा मस्जिद नमाज पढ़ने गए हैं, जुम्मे की नमाज पढ़ने। और ये देखें, ये इनका सिलसिला शुरू हो गया कि बाहर जाना है। मोहम्मद आपने कहाँ जाना है? बाहर तो भूत है, मियाँ हूँ मैं बाहर। चलो अंदर आओ, चलो अंदर आओ, आओ मैं आपको गाय की वीडियो लगा दूँ, आओ। चलो नहीं मामा नहीं, चलो अंदर आओ। ये शुरू हो गया, बस अब इनको गाय के पास जाना है। ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट काम है वो ये है कि जिस दिन मैं कल मैंने कपड़े धोए थे तो कल तो टाइम नहीं मिला था, तो बस अभी मुझे ये सारे कपड़े इससे करने। आप यकीन करें, एक दिन की थकान होती है, लेकिन जब आप कपड़े पहनने जाते हैं ना, कोई भी बच्चा कपड़े लेता है तो मेरे बच्चे माशाल्लाह से खुद निकालते हैं और ख़ुद नहाने जाते हैं। उसके पीछे बात यह है कि उनको बहुत ऑर्गेनाइज कपड़े मिलते हैं, उनके शॉर्ट्स सब हैंग किए हुए तरतीब से रखे होते हैं, तो इस्मान रुमान को कपड़े लेने में बहुत आसानी। तो इस्मान रुमान बस अपनी अलमारी में जाते हैं और अपने कपड़े निकालते हैं और पहन के तैयार हो जाते हैं। तो ये इतने सारे हैंगर्स शायद आपने मेरे पिछले व्लॉग में वॉशिंग एरिया में देखे थे, तो ये मेरे पास हैंगर्स बहुत ज़्यादा है क्योंकि मैं हर एक कपड़ा टांगती हूँ। तो चले वक्त ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं अपनी सारी इस्त्री और फिर इससे जान छुड़ाते हैं और फिर और काम। अभी टाइम हो रहा है 3:30 बज रहे हैं, ठीक है 3:20। देखें कितने मिनट में मैं ये सारा काम ख़त्म करती हूँ इंशाल्लाह।
अच्छा आज बच्चों ने देर से नाश्ता किया है, तो फिर दोपहर में मेरे बच्चे बहुत शौक से ये खट्टे आलू खाते हैं, तो इस तरह से तकरीबन 9-10 आलू आप अपनी फैमिली के हिसाब से दो टुकड़े करके कुकर में या किसी भी चीज़ में आप बॉईल करके इसका छिलका उतार के तो इस पे मसाले लगा के इसको फ्राई करते हैं, तो बड़े मज़े के लगते हैं ये। अभी आगे आगे देखते जाए मैं इसको किस तरह से कर रही हूँ। अभी मैं साथ साथ इस्त्री भी कर रही हूँ और मैंने सोचा जब तक मैं इस्त्री से फारिग होती हूँ तब तक मैं ये मेरे आलू भी बॉईल हो जाएंगे। चढ़ा दिया प्रेशर कुकर में और इस तरह से हर बच्चे के कपड़े हैंगर में जाते हैं और बस अब फारिग हो रही हूँ इस्त्री से। तकरीबन इस्त्री ऑलमोस्ट हो गई है, बस ज़रा सा काम। अच्छा इस तरह से आलू बॉईल हो गए हैं और ठंडे भी हो गए हैं, छिलका उतार के मैंने साइड पे रख दिया है और कोई भी शक्ल मतलब किसी भी शेप में आप इसको काट लें क्यूब्स में या बस, मुझे तो बहुत सारे काम और भी देखने हैं तो मैं इतना शेप पे गौर नहीं कर रही, ऐसे ही मैंने काट दिए हैं उल्टे सीधे। ठीक है, आप फ्राई पैन में भी बना सकते हैं, तवे पर भी बना सकते हैं, तो मोस्ट ऑफ फ्राइंग जो छोटी मोटी फ्राइंग होती है वो मैं तवे पे करती हूँ। तो ये है 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच पिसे मिर्ची और 1 चम्मच नमक। ठीक है, अब ये सारे मसाले मैंने मिक्स करने हैं और अब देखिए इस तरह से मैंने सारे मसाले मिक्स किए हैं और अब मैं इसको, आप ये देखें कि मैं इसको किस तरह से आलूओं पे स्प्रिंकल करूँगी। मैंने पूरा का पूरा प्लेट उठा के, पूरी की पूरी प्लेट उठा के आलूओं पे नहीं डालनी बल्कि, अच्छा ये सारे आलू मैंने डाल दिए हैं तवे के ऊपर और अब इसको थोड़ी देर घी में रखना है। जब ये थोड़े गर्म होने लगे, जब आलू गर्म होने लगे फिर आपने इस पर जो मसाला मैंने मिक्स करके रखा हुआ है, हल्दी, नमक, मिर्च और चाट मसाला, तो वो आपने आराम आराम से डालना है, डायरेक्ट नहीं डालना ज़रा आलू को। तो आलूओं को थोड़ी देर के लिए फ्राई होने दें और फिर उसके ऊपर आपने अपनी उंगलियों के टिप पे ये मसाला डालना है और इस तरह से आपने इस पे फैला देना है। अगर आपके पास कोई छन्नी हो या कोई जैसे नमकदानी वगैरह होती है आप उसमें भी डाल के छिड़क सकते हैं, लेकिन वो ज़रा लंबा काम हो जाता है तो मैं तो डायरेक्ट अपने फिंगर से ही करती हूँ क्योंकि मैंने और भी अभी बहुत सारे काम देखने हैं। खा लिया, बस खाने की वीडियो शूट नहीं कर सकी खाना बनाने की क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो अभी रात के 10:30 बज रहे हैं और मैं और मोहम्मद जा रहे हैं अपने एक नेबर के यहाँ, मेरी दोस्त है वो, तो चले थोड़ा सा बैठ के आते हैं, चाय वाय पीते हैं और फिर वापस घर आते हैं। मोहम्मद आज मुझे कंपनी दे रहा है। चलो आगे आगे, चलो आगे आगे, चलो वापस आ रहे हैं। देखिए मोहम्मद कहाँ जा रहे हैं जल्दी बताओ, वहाँ नहीं पार्क नहीं जाना, वहाँ घर जाना है। चलो चलो, पार्क नहीं जाना घर जाना है। चलो 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 मोहम्मद चलो घर चलो, मियाँ आ जाएगी। अच्छा मैं जा रही हूँ, बाय बाय, चलो घर चलो। मोहम्मद को घर नहीं जाना, मोहम्मद को पार्क जाना है। चलो घर चलो, फिर गाड़ी में जाएंगे घूमने। मोहम्मद मियाँ बुला रही है आपको, चलो 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 चलो। चलिए जी अब हम घर आ गए, अब हम चाय पियेंगे और अपने व्लॉग का एंड करेंगे। ठीक है, तो ये जी मैंने चाय चढ़ा ली है, 2 कप चाय है और 2 कप भी भर के नहीं है, आधा आधा कप है मेरी और मेरे हस्बैंड की। बस अब हम पियेंगे चाय, स्ट्रॉन्ग वाली चाय, और फिर हम घर समेटेंगे और नमाज़ पढ़ेंगे और फिर सो जाएंगे इंशाल्लाह। कल हमने जाना है, कल मैंने अपनी नन की तरफ जाना है, 17-18 दिन के बाद जाएंगे। पहले तो हम हर दूसरे दिन जाते थे लेकिन अब हमें 17-18 दिन हो गए, तो फिर कल का व्लॉग तो बहुत ही मज़े का होने वाला है, आप ज़रूर देखिएगा।